नमस्कार, आदाब। शाखा 9 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं फखरुद्दीन हाशमी। शिवसेना नेता संजय राउत और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चा होने लगी है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी संजय राउत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जब एक सत्तारूढ़ पार्टी का नेता ऐसे नेता से मिलता है जिसके खिलाफ बगावत की जा रही थी, तो ऐसे में और क्या तर्क निकाला जाए, सवाल तो उठेगा ही। संजय निरुपम ने आगे कहा, शिवसेना का स्वभाव यही है, जब कांग्रेस किसान बिल का विरोध करती है तब मुख्यमंत्री स्वयं इस बिल का समर्थन करते हैं। संजय राउत, जिसके खिलाफ इतना उछल उछल कर हर चीज़ के लिए आगे आकर बोलते रहे, आज उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। केवल इंटरव्यू के लिए इतनी लंबी मुलाकात, इसका मतलब यही है कि कुछ पक रहा है, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना शिवसेना का। संजय निरुपम ने कहा, कांग्रेस इस सरकार में आकर फंस गई है, शिवसेना के साथ लंबी नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए साथ आए हैं, शिवसेना ने कांग्रेस को कभी अपने साथ नहीं रखा है। क्या आपने देखा है कभी शिवसेना के पोस्टर में सोनिया गांधी या राहुल गांधी का फोटो लगाया हो? अभी भी मौका है, संभल जाएं। वहीं संजय राउत का कहना है कि ये मुलाकात सामना के लिए देवेंद्र फडणवीस के इंटरव्यू के लिए थी, लेकिन सवाल ये है कि अगर एक पत्रकार के नाते संजय राउत ने फडणवीस से मिलने गए थे तो ये मुलाकात एक होटल के बंद कमरे में क्यों की गई? संजय राउत ने कहा कि क्या देवेंद्र फडणवीस से मिलना कोई गुनाह है? क्या मैं उनसे मिल नहीं सकता? आप लोग इस मुलाकात का कोई भी अर्थ निकाल लें, लेकिन हमारी मुलाकात सामना इंटरव्यू पर चर्चा करने के लिए थी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फखरुद्दीन हाशमी, शाखा 9 न्यूज़।